हम लोग इस समय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हैं और यहाँ पर ये जो लंबी कतारें आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पेट्रोल के लिए कतारें यहाँ पर लग रही हैं। लोग घंटों से नहीं कई दिनों से यहाँ पर कतारों में खड़े हैं ताकि उन्हें कुछ ईंधन उनकी गाड़ियों में मिल सके। उनसे बात करते हैं। सर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टैंडिंग, हाउ मेनी आवर्स हैव बीन? दिस इज माय सेकंड डे। We start in before 2 kilometers from Bambalapitiya side. Now came to the Kollupitiya side. Again, we need to go to Bambalapitiya IOC petrol station. Actually, this is the result of our previous two parties actually stolen our money during 74 years. The result of that, we had to face this situation. So, no, what I'm trying to understand from you, sir, आप ये कह रहे हैं कि दो दिन, 2 days. You've been standing in a line for petrol. Yeah, 2 days. But I think another 2 days I have to stay. Altogether, it will be 4 days. और यही समस्या इस समय श्रीलंका की है। दो दिन हो गए हैं इनको कतार में खड़े हुए। You've also been standing for 2 days in a line? I'm in the 2 days. 2 days? 2 days, yes. And it will take another 2 days to get another food. Another 2 days. So what about food? Where do you eat food? Where do you sleep at night? Yeah, sometimes we are in the vehicle, but sometimes we put the vehicle and go home. And okay. तो आप ये सोचिए कि दो दिन हो गए हैं कतार में, दो दिन और लगेंगे पेट्रोल पंप तक पहुंचने में। रात में गाड़ी यहीं बंद करके या गाड़ी में सो जाते हैं या फिर घर जाते हैं और फिर अगले दिन सवेरे कतार में लग जाते हैं। लेकिन अनुशासन पूरा है, कोई कतार तोड़ नहीं रहा है, कोई आगे घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर ईंधन की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो भारत से यहाँ पर ईंधन पहुंचाया जा रहा है। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप यहाँ पर ईंधन दे रहे हैं इस समय। लेकिन दाम देखिए कि इस क्राइसिस के, समस्या के शुरू होने से पहले ईंधन मिलता था 200 रुपए प्रति लीटर से कम में। इस समय यहां पर लगभग 500 रुपए प्रति लीटर ईंधन मिल रहा है और वो भी तब जब आप 4 से 5 दिन कतार में खड़े रहेंगे। श्रीलंका में समस्या लगातार गहराती जा रही है और सरकार ने अब ऐलान किया है कि पेट्रोल केवल राशन किया जाएगा और एक कार्ड दिया जाएगा जिसके आधार पर लोग पेट्रोल ले सकेंगे। पेट्रोल की कीमतों की बढ़ने की वजह से रोजमर्रा की जरूरत की हर चीजों के दाम यहां दोगुनों से ज्यादा बढ़ चुके हैं। खाने पीने का सामान आ नहीं पा रहा है क्योंकि पेट्रोल नहीं है, आ रहा है तो बहुत महंगा आ रहा है और यही लोगों की समस्या की वजह है। और सेना लगातार गश्त भी लगा रही है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, कोलंबो।